हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप सब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडो लॉन्चर के ऊपर। बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने बहुत डिटेल में काइनेमैटिक्स के बारे में देखा है। उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर कर ली हैं, और टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, जितने भी एक्सेलरेशन थे सारी चीज़ें कवर कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हवा बना के रखते हैं हम लोगों के बच्चों के माइंड में, जबकि ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको अभी समझा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नाम क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहता है कि टुवर्ड्स द सेंटर। पहली बात तो ये होगी कि ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये चीज आपको समझ गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस की तरफ लगेगी, और इसकी अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं, अगर ये डायरेक्शन ऐसे बना दे, तो ये हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट, ये हो जाएगी रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रियल फोर्स है। अब इसको रियल क्यों बोल रहे हैं? जो भी रियल फोर्सेस हैं वो NLM फॉलो करती है। सर, ये NLM क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करता है। और E है सुडो फोर्स। सुडो फोर्स मतलब नकली फोर्स है ये, और नकली फोर्स NLM फॉलो नहीं करता। ये NLM फॉलो नहीं करता। थर्ड चीज डिफरेंस की मेन पॉइंट ये है कि ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखा जाता है। मतलब समझो, इसको हम समझते हैं कि मेरी गो राउंड के ऊपर हम हैं और हमारा दोस्त देख रहा है, तो उसको लगेगा कि हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें लगेगा कि जोर से अगर हम घुमाएंगे तो हम पीछे फेंका जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर लग रहा है एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखा जाएगा, बाहर से देखा जाएगा, इसलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बोलते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम में है। क्लियर? सेम उसी तरीके से ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जहां एक्सेलरेशन है वहां पे आएगा ये एक्सेलरेटेड, ये फ्रेम में होगा, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा। ये ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। अच्छा, अरे रे रे रे, इसको मिटाई लेते हैं बबुआ, सॉरी, डायग्राम चाहे आपके ऊपर लिख दिया हमने। चलो, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स ही नहीं रहती है। हाँ, सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स नहीं रहती है, ये ध्यान रखो। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखो, कोई और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई और प्रोवाइड करता है। यहाँ लिख दो, कोई और प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, क्या हो रहा है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई और फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे जब हम व्हीकल चलाते हैं, ध्यान दीजिए भाई और बहनों, ध्यान दीजिए अच्छे से, कि जब हम व्हीकल चलाते हैं सर्कुलर रोड के ऊपर, तो सर्कुलर रोड का जो फ्रिक्शनवा वो देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे अगर हम आगे देखें कि ई सोलर सिस्टम में ये सब प्लैनेट लोग चक्कर घुमाता है, किसका, ई सनवा का, सन का चक्कर मारा था, राउंड, काहे मारा था, काहे कि इनके बीच में कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड कोई और करेगा। तो यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन। और अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बोले यहाँ मौत का कुआं, जब ये व्हीकल ऐसे गल 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 गर 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 घूमते रहता है, तब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई फोर्स एक्चुअली होती नहीं है,
इसको प्रोवाइड किया जाता है, इसको प्रोवाइड करने वाले फोर्सेस रहते हैं। सर्कुलर मोशन में कोई और फोर्स ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक पत्थर बांध ले एक रस्सी में और इसको हम ऐसे गोल गोल घुमाए, तो इस रस्सी का जो टेंशन है, हमारे जीवन का टेंशन नहीं, रस्सी का जो टेंशन है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे इसको सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही से हम समझ जाएंगे कि इस एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये, है हम, ये है हम, और हम है बैठे हुए कहाँ पे, मेरी ग्राउंड के ऊपर, मेरी गो राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब हम कौन से फ्रेम में बच्चों, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो अगर हम इसको और जोर जोर से घुमाते हैं, कोई घुमा रहा है, हमें लगेगा ना कि हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसा लगेगा ना कि हम अगर हाथ छोड़ दिए तो बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। सर सेंट्रीपिटल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बच्चों वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में सूडो फोर्स रहती है, और सूडो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल कब लगेगी? सेंट्रीपिटल कब लगेगी? इसी चीज को जब कोई बाहर से देख रहा है, इसी चीज को कोई बाहर से देख रहा है जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या फिर कहा है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो उसको सेम दिखेगा कि ये सेंटर की तरफ जा रहा है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे से समझ गया होगा आई होप इसके बारे में, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंस लिया है, जो हमने कहा है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है टू पार्टिकल सो दैट इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इस फोर्स का जरूरत रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वर्क डन इसकी वजह से होगा जीरो। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो। वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो। रीजन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है कैसा? सेंट्रीपिटल फोर्स ये रहता है रेडियल और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, इनके बीच में एंगल 90 और कॉस 90 जीरो, ठीक है। एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा हमको कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर रहता है। यहाँ रेट करते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इज एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अज्यूमिंग मतलब मान लिया जाता है ये सूडो फोर्स है बच्चों। एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर। ये रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर रहता है और ये रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। इट इज रियल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन मैटर। तो कोई और फोर्स ये प्रोवाइड करता है, किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। और ये एक सूडो फोर्स है, सिंस इट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल। ये किसकी वजह से हुआ? इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इफेक्ट है कि हम रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई बैठ गया समझो और इसके ऊपर आप गोल 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 घूम रहे हो, आपको लगेगा एक टाइम पे कि आप बाहर फेंका जाओगे, वो किसकी वजह से? इस सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। क्लियर बच्चों? क्लियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें सर्कुलर मोशन के इक्वेशन दिए हैं रिलेट करके, जो हमारे ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन के साथ है उनके। तो देखो जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं, वहां इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट कहते हैं। रोटेशनल में या फिर सर्कुलर में हम इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट कहेंगे। फाइनल वेलोसिटी वी, यह होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर वाले ही तो है सर इधर, और ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एक्सेलरेशन ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन एंगुलर वाला। तो ये सारी इक्वेशन लिखवा के दिया था मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेलोसिटी और टाइम के लिए। फर्स्ट क्लास में हमारा हुआ था वेलोसिटी टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये हो जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। ये सारे चीजें आपको बताई गई है पहले क्लास में। सेम क्या करना है, v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, t की जगह टी, टी का एनालॉगस कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये s इन nth सेकंड,
ये भी क्लियर है थीटा इन एन एक्स सेकंड। एनालॉगी आप लगा लोगे अगर ये पता है आपको और ये चीजें पता है, बहुत आसानी से आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, समझ गया होगा आई होप आपको ये सारी चीजें, जिन बच्चों को पता है इनके लिए ये बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हमें यहाँ पे एनालॉगस चीजें देखनी है कि पोजीशन को हम दिखाएंगे यहाँ पे एक्स से या फिर एस से, तो यहाँ दिखाएंगे हम सर्कुलर में थीटा से। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। एक्सेलरेशन ए, और यहाँ हो जाएगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ डी वी बाई डी टी। मास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास के लिए एम, तो यहाँ सर्कुलर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का एनालॉगस क्या है, टॉर्क। सभी के एनालॉगस आपको याद रहने चाहिए, फोर्स का एनालॉगस टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ एम की जगह आ जाएगा आई, और वी की जगह आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि मास का एनालॉगस होता है सर्कुलर में आई। तो एनालॉगी आपको समझ गई होगी, हम रोटेशन में और डीप में पढ़ेंगे ये एनालॉगी, इनके बीच में रिलेशंस भी देखे जाएंगे बच्चों। जैसे हमने कुछ रिलेशंस आपके लिए निकाले हैं, वो यहाँ बता देता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, फिर यहाँ ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये कौन सा ए, कौन सा है, ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सबके भी, जब हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें वन बाय वन डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बच्चे चलिए, इनके डिफरेंस के बाद में, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल के डिफरेंस के बाद में, हम लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, और उसकी वेलोसिटी है वी, दिया हमें 2t² मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हमें निकालना है यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन। नेट ही क्यों सर, नेट ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन दिया है, ये नहीं बोला है बच्चों कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रहता तो भी दोनों निकालने पड़ते हैं हमें, यूनिफॉर्म रहता तो सिर्फ सेंट्रीपिटल निकालना पड़ता। ठीक है, टाइमिंग कितना दिया है, 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका अप्रोच कैसा करना है बच्चों। तो दो तरीके के एक्सेलरेशन रहेंगे, ये क्लियर हो गया। एक रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फर्स्ट वाला रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल क्या है, एटी। अब एटी कैसे निकालते हैं, ये डाटा से, जब भी आपको एटी निकालना हो तो वेलोसिटी को कर देना डिफरेंशिएट, ये ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना आएगा, डी 2t² / dt, ये हो जाएगा 4t। टाइम पुट कर दीजिए 1 सेकेंड, तो 4 × 1, ये हो जाएगा 4 m/s². उसी तरीके से हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। इसमें क्या करना बच्चों, जब भी आपको एसी निकालना है तो आप v² / r कर लो, इसमें डिफरेंशिएशन करना सिंपल है, इसमें डिफरेंशिएशन करना और इसमें नॉर्मली हमारा फॉर्मूला लगा लेना। फॉर्मूला क्या है इसका, v² / r, v की वैल्यू कितनी है, 2t² / r, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4t⁴ / r की वैल्यू कितनी है, 1 नीचे पुट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 4 × 1⁴ वन ही आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 m/s². अब देखिए ये भी 4, ये भी 4, तो नेट 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 कैसे रहते हैं, नेट कैसे रहते हैं, नेट तो बहुत आसान रहता है, 4² + 4², क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज AT परपेंडिकुलर टू AC ऑलवेज, बिकॉज AT इज टेंजेंशियल वेक्टर एंड AC इज रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, ये अलोंग द रेडियस लगता है, ये टेंजेंशियल है। ठीक है, इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, और परपेंडिकुलर रहेंगे तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा, 90 डिग्री एंगल रहेगा, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 16 + 16 = 32, 16 + 16 = 32। और आपको ट्रिक बता देता हूँ, दो भी नंबर्स ऐसे दिखे
दो स्क्वायर स्क्वायर सेम सेम, तो आप 4√2 डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे 4√2 आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6√2। अगर डायरेक्शन पूछा गया, डायरेक्शन पूछा गया आपको, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए टी, ए सी अपॉन ए टी ये आ जाएगा 4/4 1, सो टैन अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर क्लियर ओके बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, अ साइक्लिस्ट राइडिंग विद अ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी स्पीड दी है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आगे में जो यूनिट्स है मीटर में दिए हुए हैं। कैसे करते हैं ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए उल्टा 18/5 से। इसको नोट कर लीजिए अगर आपको ये पता नहीं था, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी। तो स्पीड दे दी गई है हमें 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 × 5/18, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आगे हमारी स्पीड यहाँ पे साइक्लिस्ट की 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस, रेडियस कितनी दी है देखते हैं। रेडियस दी गई है 25√2 मीटर। ही अप्लाइज अ ब्रेक, उसने ब्रेक लगाया, रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, रेट बोल दिया मतलब टाइम से डिवाइड करना है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है मतलब मिल गया एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, जब भी ब्रेक लगाने के बाद कम हो रहा है, सर्कुलर मोशन कम हो रहा है, तो वो रहता है हमेशा बच्चों कौन सा एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, वो रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये रहेगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये आ जाएगा, हम इसको -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं। 80 मिल गया हमें, एसी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में क्या बोला है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इस नेट एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा हमें, सिंपल है, मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, एसी निकालना पड़ेगा पहले। एसी इज इक्वल टू सिंपल v² / r। वी कितना दिया है, ये है वी, उसकी वेलोसिटी 5 × 5 / 25√2। ये 25 कैंसिल, ये आ गया 1/√2। ओके क्लियर। अब हम निकाले अगर नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ए नेट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/√2 का स्क्वायर, और ए टी का स्क्वायर कितना होगा, -1/2 का स्क्वायर। सो इसको स्क्वायर कर लेंगे, 1/2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर में, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया कितना, एक सेकेंड, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6, माफी दे दी जनता, गलती हो गई हमसे, 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट में, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/4, 4 बाहर आ जाएगा, तो √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, अभी क्या पूछा गया हमें, डायरेक्शन भी, डायरेक्शन भी पूछा गया है, तो डायरेक्शन लिखिए। डायरेक्शन अगर हमें पूछा गया टैन अल्फा, तो हम लिखेंगे एसी अपॉन एटी। अभी हमें कुछ भी नहीं पूछा, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन है तो, नहीं तो फिर आप ये पुट कर लोगे, कन्वीनियंट रहेगा। एसी की वैल्यू कितनी है, 1/√2। एसी की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और एटी की वैल्यू कितनी है, 1/2। मैग्नीट्यूड पुट करना बच्चों, नेगेटिव साइन यहाँ मत पुट करना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2 डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, उल्टा लिख लो 2/1। अब 2 में आपको 2√2 छुपे हुए दिखते हैं, 2 को हमेशा 2√2 में लिखना, 1√2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, √2। सो टैन अल्फा इज इक्वल टू √2। क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या दिया है, इसको रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर। तो रेडियस हमको दी है 6 मीटर, और लीनियर स्पीड दी गई है हमें कितना, 2 vt।
हियर टी इज द टाइम इन सेकेंड, टी क्या है टाइम इन सेकेंड, हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकालना है सिर्फ, ठीक है। चलिए क्या निकालना है, एसी, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ हमें निकालना है। कितने टाइम के बाद बोला गया है, कितने टाइम के बाद बोला गया बच्चों, 3 सेकेंड के बाद में। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया गया था आपको, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर कितना 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ 2t पुट किया, फास्ट नहीं हो रहा है ना, 2t पुट किया, 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब दो बार 3 लिख लो, डिवाइडेड बाय आर कितना है 6, 3 से यहाँ कैंसिल 2 जा, 2 से ये कैंसिल 2 जा, क्या क्या बचा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ, अगर आपको पूछा रहता है यहाँ टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल भी निकाल लेते हैं हम। चलिए इसमें टेंजेंशियल निकाल के बता देते हैं, टेंजेंशियल के लिए क्या करोगे, डी वी और यह आ जाएगा डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 2 बचेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर नेट पूछा रहता तो अब तो आप प्रो हो चुके हैं, क्या होगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 36 अंडर रूट 40, अंडर रूट 40 को हम 4 इंटू 10 लिख देते हैं और ये हो जाता है 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से अगर डिरेक्शन पूछा रहता है इसका ए नेट का, तो क्या लिखते हैं एसी अपॉन एटी, सिंपल डायरेक्शन के लिए एसी अपॉन एटी, एसी जो भी दिया होगा, एसी कितना है, एसी कितना है 6 और एटी कितना है, एटी कितना है 2, तो ये आ जाएगा कितना 3। इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है बाबा टेन अल्फा है, क्या है टेन अल्फा, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी हमारी यहाँ पे 3, सो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3, ये पूछा नहीं है लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक सेकेंड, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इफ अ रेडाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स इन रेशियो इज 1:2, तो R1:R2 दिया है हमें 1:2। चलो अगला सवाल है हमारा, इफ द रेडाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स इन रेशियो 1:2, रेडियस का रेशियो दिया बच्चों, तो रेडियस का रेशियो कितना है हमारा यहाँ पे R1:R2 लिख लेते हैं 1:2, इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसका AC1 और AC2 जो है वो सेम दिया हुआ है, देयर स्पीड का रेशियो हमें पूछा है, स्पीड का रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, V1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2, तो मैं अगर यहाँ लिखूँ ऐसा R1 डिवाइडेड बाय R2, इसको R1 को यहाँ भेजा और V2 को यहाँ भेज दिया, तो क्या आएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। बच्चों ये चीज ध्यान रखो कि जब भी दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती है, जब भी दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती है तो वो रहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ऐसा लिख सकते थे डायरेक्टली R1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर दिया है। ओके क्लियर, ये डायरेक्टली आप अगले क्लासेस के लिए ध्यान रखना, अभी R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2, रेशियो दिया तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा रूट, तो 1 अपॉन रूट 2 यह आ जाएगा V1 अपॉन V2, तो V1:V2, V1:V2 यह आ गया 1:√2, 1:√2, तो हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला। ओके क्लियर।